सो वेलकम व्लॉग विद दीपक। सो मेरे मित्रों मित्राणियों, आज मैं आपको जो बतानी हो वो आपने कभी नहीं समझानी हो, क्योंकि अंदर है हुमायूं का मकबरा, वन ऑफ द ग्रेट मकबरा। और ये दीवार देखो, काफ़ी प्राचीन दीवार है, और इससे ही पता लग जाता है कि क्या हालत होगी दरवाजे को, कितना पुराना है। क्योंकि नीचे जिस तरीके से वेस्ट पर रखा गया, तो काफ़ी खूबसूरत हिस्ट्री है यहाँ की। और ये हुमायूं का मकबरा है सामने, और उससे पहले ये कुछ यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं तो वो पढ़ सकते हैं कि किस चीज़ पर बेस्ड है ये अंदर जहाँ पर हम जा रहे हैं। और अंदर जाने से पहले ये कुछ तस्वीरें हमारे सामने, एंड चलो हम सीधे अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं हुमायूं का मकबरा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अंदर जा रहा हूँ, और नेवर एक्सपेक्टेड। यहाँ पर काफ़ी कुछ सुना इसके बारे में, और सुनने में आया कि 1993 में वर्ल्ड वाइड में वन ऑफ द बेस्ट या टॉप पर आता है खूबसूरती के मामले में। इसके बाद ताजमहल का भी आइडिया इसी से इनोवेटिव, और कह सकते हो कि ऐसा सोचा उन्होंने हुमायूं के मकबरा बनने के बाद कि अब अगला जो अपग्रेड इसका वर्जन होना चाहिए वो ताजमहल का होना चाहिए। सो वो आइडिया जो आया था ताजमहल का, वो यहीं से आया था हुमायूं से। तो क्या अंदर, चलो अंदर जाके देखते हैं, लेट्स मूव गाइस। जो आपको मैंने दिखाया था वो हमारा पहला गेट था उस तरफ, नाउ दिस इज़ द सेकेंड गेट वेयर वी आर गोइंग टू हेडिंग हुमायूं का मकबरा। सो वही प्राचीन गेट का आपको दिखा देता हूँ। ये वो प्राचीन गेट है, काफ़ी पुराना है, एंड जिस तरीके से हालात होते गेट की, इससे पता लगता है कि हाँ इसी का गेट है, काफ़ी पुराना है और मेड इन इंडिया है। और यहाँ पर कुछ बुक्स होंगे गाइड्स वगैरह के लिए, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो, उनके बारे में सर से आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। नाउ वन ऑफ द बेटर प्लेस वेयर वी आर, एंड दैट इज ये वो खूबसूरत मकबरा। वाह, काफ़ी अच्छा मकबरा है, एंड यहाँ पर फाउंटेन भी है पास में, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करना काफ़ी पसंद करते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और यार काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे हुमायूं के मकबरे पे, और जिनको नहीं पता हुमायूं कौन थे तो मैं उनको बता दूँ। क्योंकि यार बचपन में क्या होता ना कि मुझे भी बहुत पसंद थी हिस्ट्री, में मुझे डेट्स याद नहीं रहती थी, उन चीज़ों से मुझे हेट था, बट कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी जो भी हिस्ट्री की होती थी। सो बचपन में अकबर बीरबल की कहानियाँ भी मैंने बहुत देखी हैं। तो जो अकबर है वो काफ़ी अच्छे शासक हुए थे, और उन्होंने ही ये किला बनाया था, अकबर ने। तो अकबर ने किला बनाया था, और जो अकबर के पापा थे उनका नाम ही हुमायूं था, तो हुमायूं का मकबरा बनाया गया। और हुमायूं का मकबरा बनाने के पीछे जस्ट एक ही मकसद था, जो हुमायूं की पत्नी थी बोले कि अकबर के माता, हाँ, तो उनकी देख रेख में पूरा मकबरा बनाया गया। और यहाँ पर अंदर हुमायूं की जो कब्र है वो है अंदर। सो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इसकी, और वही चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है, किस तरीके से ये बेस्ड है, काफ़ी मज़ेदार है। चलो फिर मूव ऑन, एंड जब आप यहाँ पर आओगे फाउंटेन का एंजॉय ज़रूर करना है, क्योंकि तो फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है। तो हम थोड़ा यहाँ पे फोटो वोटो खींच लेंगे, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। दोस्तों मकबरे में प्रवेश करने से पहले आओ सुख सुख सीढ़ियों को पार कर लें, और हाँ सीढ़ियाँ खड़ी हैं, आपके पैर दर्द होने वाले बहुत ज़्यादा, आपका बदन भी दर्द हो सकता है, खत्म ही नहीं हो रही। और आखिरकार पहुँच गए, नाउ ये ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। और ये शायद कुछ नाली टाइप है, यहाँ से आई गेस बारिश में पानी पास होता है। भाई अकेले क्यों बैठे हो? अरे बैठो यहाँ पे, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है, वो तो चल ही रही है, तो बैठो यहाँ पर, संदूक से यहाँ बैठ गया, बतासी में बैठे हो आप? यहीं बैठो, यहीं सही है, यहीं बैठते, यहीं सही है। और छुट्टी काम में तो नीचे देखो, कैमरा बोर्ड मिलेगा।
तो ये जो ये ज़मीन थी जो पहली वाली, ये इसी ही लेवल पे थी। अभी अभी भाई बैठे थे यहाँ पे, कब्र है ये, शायद नकली कब्र है। नीचे मेन कब्र के नीचे है जहाँ पर गेट, जहाँ पर रास्ता बंद है। तो ये नकली कब्र है भाई कह रहे हैं, और असली कब्र है। असली कब्र नीचे होती है जो, हाँ एकदम, मतलब असली जेल में कब्रें बनते सब में असली कब्र नीचे होती है। तो नीचे ताजमहल जाके देखो, वहाँ जाते हैं। सो ताजमहल इधर सेकंड हैंड दिखने में इससे थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बहुत अलग है ये। कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं है, बट कुछ नहीं है। इसके बेस पे ताजमहल है ये। मैंने सुना है, मैंने ये, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मेरे को सुनने में बहुत आया लोगों से। तो मेरा ये खुद का फीडबैक है उसको सुनने के बाद, और मुझे थोड़ा बहुत फील भी हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आप बाग देख रहे हो, ये चार बाग है। और इसकी खासियत ये है कि जो जिस तरीके से ये बाग दिख रहा है आपको, चारों तरफ से एकदम सेम इसी तरीके से दिखता है ये बाग। एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी सारी कब्रें बनी हुई हैं। तो ये जो कब्रें बनी हुई हैं, बेसिकली मुझे कुछ खास तो पता नहीं है, बट हाँ ये कब्रें उन्हीं की हैं जो शायद अकबर के काफ़ी करीबी थे और हुमायूं के काफ़ी ख़ास थे। सो उनकी कब्रें हैं ये। आई गेस मे बी हो सकता है वो फैमिली मेम्बर हों, या फिर कुछ खास जो उनके युद्ध में उन्होंने काफ़ी, मतलब विश्वास जो, मतलब बिलीवेबल जो, मतलब पर्सन थे, उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। कुछ कब्रें जैसे साथ में रखी हैं, आई गेस ये एक फैमिली होगी जो दो कब्रें एक साथ हैं। मे बी हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, या फिर भाई बहन हो, या कोई भी हो सकता है। आई गेस सेम एक दो छोटी कब्रें, तो ये आई गेस बच्चों की कब्रें होंगी, बड़ी बड़ी कब्रें। इस तरफ अपोजिट में आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक ही रो में पांच कब्रें आप देख सकते हो। मेरी पांच फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आई गेस। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो जाला सा जो बना हुआ है, यहाँ पर लोग सिक्का फेंकते हैं, सिक्का फेंकते हैं, इंसान को सिक्का डालते हैं। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी गहरा है नीचे। एंड अगर आपके हाथ से वहाँ से फोन गिर गया तो वो फिर आने के भूल जाओ। तो अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, काफ़ी गहरा है। आई होप आपको कुछ नहीं दिखा होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिखा वहाँ पे क्या था। कुछ सिक्के चमक रहे थे बस वहाँ पर। जैसे कि आप ये छोटा सा गुंबद देख रहे हो, वहाँ पे कुछ आप ज़्यादा ज़्यादा सा बना हुआ देख रहे हो। ऐसे आप अगर थोड़ा सा इसकी सपोर्ट में चलते रहोगे, इसके सपोर्ट में चलते चलते आपको ये एरिया दिखेगा यहाँ पे। आपको अगर आप देख पा रहे होंगे, शायद वीडियो में अच्छे से आ रहा नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो कब्र बनी हुई है, तो ये ऐसी इसके अंदर भी है। एंड तो आप इसके अंदर भी था, जैसे कि कब्र बनी हुई थी। सो यहाँ से आई गेस आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, तो मैं अंदर जाके आपको अच्छे से उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर दूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बस एक ही कब्र का वहाँ पे अच्छे से नॉलेज है, जो कि है हुमायूं की। एंड उसके बाद जो भी उनके खास फैमिली मेम्बर थे उनके। तो ये आगे हमारा एंट्री गेट। सो ये है सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, यहाँ पे अंदर जाते ही आपको दिखाएगी हुमायूं की कब्र, जो कि यहाँ का मेन मेन पार्ट है। सेम ऐसे यहाँ पे भी सिक्के फेंके जाते हैं। बहुत गहरा है, काफी पुराना है। सो दोस्तों ये अंदर का पूरा सिनेरियो है। हुमायूं के कब्र से जाने से पहले मैं आपको दो जगह दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, काफ़ी उनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है, आई गेस फारसी है। सो आई थिंक दैट व्हाट वाज रिटन ओवर देयर, लेट्स मूव फ्रॉम। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, सेम ऐसे वहाँ पे तीन कब्र थे, पर यहाँ पे दो कब्र हैं। ये इस जगह का है। तो अब हम सीधे चलेंगे जो हुमायूं की जो मेन कब्र है वहाँ।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग पत्थर है, बहुत मेहनत लगी उसे बनाने में। यही वो कब्र है मेन हुमायूं की, तो उसको ऊपर आप देखते हैं कि स्तूप भी रखा हुआ है कब्र के नीचे। एंड ये जो कब्र है ये एक आर्टिफिशियल कब्र है, मतलब इसके ये जो नकली वाली कब्र है उन्होंने दिखा रखा, लोकेट कर रखा कि इससे जस्ट नीचे ही वो मेन कब्र है जहाँ पे हुमायूं जी को रखा गया है। इधर क्या कहते हैं अपने देहाती दरवाजे, नाम ये दो कब्र है जो कि आसपास में है, और ऐसी यहाँ पे चार जगह पर कब्र रखी हुई है जो कि एक ऐसी यहाँ पे कब्र देखी आपने, इसी जगह यहाँ पे ऐसी चार जगह से बनाई गई है, इसी टाइप की कब्रें रखी गई है जिनपे दो कब्र है, उनको तीन कब्र हैं तो वो चार जगह से बनाई गई हैं। तो मैं आपको वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिखा दूँगा कि जिससे आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। हाँ, मैं बता रहा था कि यहाँ फोकस मत करो, इधर फोकस करो। तो ये वो तीन कब्र हैं, बड़ी बड़ी कब्र हैं, तो खास ही कब्र होंगे जो मतलब हुमायूं के काफ़ी बड़े फैमिली मेंबर होंगे, मेरे फैमिली मेंबर होंगे, ये फैमिली मेंबर जैसे होंगे। तो यार मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बाहर से दिखा रहा था कि ये कुछ जाली टाइप जगह है जहाँ से आपको अंदर कब्र दिख रहा होगा, कल आई है तो बाहर से अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो जस्ट उसी वजह से देख सकते हो। मतलब यहाँ का जो मेन सिनेरियो है वो यही है हुमायूं की कब्र, एंड हुमायूं का मकबरा इसलिए इसका नाम पड़ा है। अब यहाँ से हम निकलते हैं एग्जिट की ओर, सो वहाँ पर आपको दिखाते रहिए क्या होता है। आप वेट देख सकते हो, काफ़ी हैवी है अपने आप में, काफ़ी बड़ा है, समझ सकता था कम होंगे ये किस तरीके से हैं, अगर कोई अगर बोलता तो है। एक चीज़ मेरा समझ में नहीं आती, बंदा जैसे यहाँ से एग्जिट करते हैं यहाँ पे नीचे नीचे क्यों देखने लगते हैं, अगर सब देख रहे तो हम भी देखेंगे। क्या पड़े पैसे बच गए, सो मेरे पास भी एक भी पैसा नहीं था, एंड जो भी थे नोट वहाँ पे फेंक नहीं सकते आप, तो कॉइन्स वहाँ पे लोग डालते हैं, एंड मैंने एक भी रुपए नहीं डाला। सो यार वो था जितना भी था वो अंदर का सिनेरियो था। सो मैंने आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने दिखाने में आपके लिए, जो भी मेरे तरफ से हो पाया जिस भी तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया, बट मैं तो ऑब्वियसली मैं तो इन्जॉय करने के लिए आया था यहाँ पर। हाँ, तो गार्ड जी भी सीटी बजाते रहते हैं, फिर इन्फॉर्म करते रहते हैं कि दीवार एकदम सहारे मत चलो क्योंकि काफ़ी पुराने पत्थर हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि वो वीडियो में चट्टे के पत्थर हैं तो कुछ भी हादसा हो सकता है, काफ़ी नीचे है इनकी रेली। देखे ना अंदर चलते हैं ना क्या होगा, लेकिन ये अंदर मत दिखा क्यों नहीं दिखाएंगे, मटके रखे उस जमाने के यहाँ कुछ नहीं होता, वहीं तो बहुत कुछ होता है यहाँ पर की जगह। हाँ यही तो है भाई, कुछ नहीं है, हाँ यही तो है बहुत कुछ। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष,
सो ये कुछ अवशेष हैं, ये मटका भी उस टाइम का है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही वैसे यहाँ पर। भाई ये कुछ मतलब पत्थर वत्थर हैं, ऐतिहासिक पत्थर हैं। तो जिस टॉम में हम गए थे वो यही है दोस्तों। अभी तक आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पर। जो जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, काफ़ी अच्छी धूप भी थी, और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है और आंखों में मिट्टी भी जा रही है। गाइस बहुत बुरा हाल हो चुका है, बुरा हाल थकावट काफ़ी हो गई है भाई को, क्योंकि मुझे तो अभी जोश आया क्योंकि बारिश आने वाली है। लग रही है ये बोल रहा है वीडियो बंद पहले उससे पहले बोल क्या था थकियों में बहुत बुरी तरह है, हालत खराब है मेरी। ये यहाँ पर कोई गुम्बद है इस तरफ है और चील का हुए भी घूम रहे हैं ऊपर। क्या होंगे सांप के होंगे यहाँ, ऐसा है क्या? ये कौन सी साइंस हुई? तो मतलब इसलिए घूम रहे हैं यहाँ पे सांप है नीचे? कोई सांप ही तो नहीं है, सांप नहीं है, लकड़ी है। ओह नो, लग नहीं रहा ऐसे एकदम। कोबरे के भाई देखो, कोबरे के देखो ऐसा उसको बोलते नहीं लग रहा तुझे? वो पाइप है, वो हिलना भी तो चाहिए। ऐसा वो भी पाइप है पानी के लिए, यहाँ से लग रहा ना पाइप, इधर से देखो एकदम ऐसे एकदम कोबरे की तरह कर रहा है, कोबरा की तरह। अब आपने एकदम डायलॉग ऐसे बोला यहाँ चील वहाँ सांप, तो दिमाग में क्या आएगा? चूहा तो आएगा नहीं ना, सांप और चूहे यहीं मिलते हैं इस साइड में। हाथी बोल के कौन घोड़ा सोचता है? ओह नो, कौन सोचता है? तुम आ गए तो किला 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 गए हो हां, किला वो कहां है? सॉरी तुगल का बात कहां है? यहां तो वही जो दिखा जो उसका भी नहीं आता। अब ऐसे पता चला मेरे पास मूर्ति है, उससे पहले हम आगे निकल लेते हैं, आगे सजाते हैं। पानी नहीं भर रहा तो पुल के नीचे से आगे। अच्छा जहाँ वो, अच्छा 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 हाँ, अभी वहाँ पे हमेशा निकलते हैं सांप, निकलते हैं अजगर, निकलते थे वहाँ है क्या वहाँ चलेगा, वहाँ चल सकता है वहाँ भी। अभी अभी नहीं, किसी दिन 10 रुपये किराया वहाँ पे। वहाँ है क्या दिखाने? भैया किलाइए तो बात क्या, वहाँ मस्ती वाला बहुत पुरानी फैंसी सा, और ऊपर हमारा एडवांस LED लाइट टाइप का लाइट लगा रखा है। सीमेंट है जमाने का, सीमेंट भाई, सीमेंट नहीं है ये, निकलता भी नहीं है। निकल गया आप भी, अकबर की बेइज्जती। मस्ती हाथ दुख गया यार, बैग पकड़ ले, पकड़ ले यार। अच्छा हमारे चलान कट रहे स्पेशल, मैं तो लगा रखा था तो यार हम शायद मेरे ख्याल से बहुत पहले आ गए थे, अब यहाँ पे एक्चुअल भीड़ आ रही है इसलिए आ रही है कि मौसम चेंज हुआ इसलिए। अरे सभी समय आता है भाई, ये बारिश वाला मौसम हुआ इसलिए शायद एक्चुअल भीड़ आई है। 5 बजे बंद हो जाता है, टाइम कितना हो रहा है? 3:30 घर का खाता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ तेरे भाई, खा लो यार बहुत बहुत खाना है भाई, कह रहे इससे क्या होगा मेरा, क्या होगा? ठीक है हमारे लिए तो 3 दिन का खाना है। भैया बारिश हो ही गई, अलग ही मजा था और हम फंस गए। आई होप एवरी वन आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो जो भी मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिला। एंड इस ब्लॉग में मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की करने की कोशिश की है, और अगर आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।